लोटस आयुर्वेद इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूँ उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे प्लेटलेट काउंट कम होने पर करें इन आयुर्वेदिक पत्तियों का सेवन, तेजी से होगी रिकवरी। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेकिन उससे पहले बोलना चाहूँगा, चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी बजा दें जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो सबसे पहले आपको मिलें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। डेंगू मलेरिया जैसी गंभीर बीमारियों में अक्सर मरीज के शरीर में प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है। इसे शरीर में प्लेटलेट कम होना भी कहते हैं। शरीर में प्लेटलेट काउंट बहुत कम होने पर मरीज की जान भी जा सकती है। जब किसी मरीज के शरीर में प्लेटलेट काउंट काफ़ी कम हो जाता है तो डॉक्टर मरीजों को प्लेटलेट काउंट चढ़वाने की सलाह देते हैं। प्लेटलेट काउंट की छोटी रक्त कोशिकाएं होती हैं जिनका काम ब्लड क्लॉटिंग से लेकर के शरीर को ठीक ढंग से काम करने में मदद करता है। प्लेटलेट काउंट कम होने पर लोग घबरा जाते हैं, लेकिन ऐसा करने के बजाय अगर आप अपनी डाइट का ध्यान देंगे तो प्लेटलेट काउंट बढ़ाने में मदद मिल सकती है। आप प्लेटलेट काउंट बढ़ाने के लिए आयुर्वेदिक औषधियों का सहारा ले सकते हैं। प्लेटलेट काउंट बढ़ाने के लिए आयुर्वेदिक पत्तियाँ, हर्बल और नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करने से शरीर को किसी तरह के नुकसान का खतरा नहीं रहता है। शरीर में प्लेटलेट काउंट कम होने पर आप आयुर्वेदिक पत्तियों का सेवन कर सकते हैं। स्वस्थ इंसान के शरीर में प्लेटलेट की मात्रा 1.5 लाख से लेकर के 4 लाख तक हो सकती है, लेकिन जब प्लेटलेट काउंट 50,000 से कम हो जाए तो इसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। प्लेटलेट काउंट को बढ़ाने के लिए पपीते की पत्तियों से लेकर के ग्लोए एलोवेरा जैसी चीज़ों का इस्तेमाल करने से फ़ायदा मिलता है। इनका सेवन करने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। वो किस तरह है मैं आपको बता रहा हूँ। पपीते की पत्तियों का रस, शरीर में प्लेटलेट काउंट कम होने पर सबसे पहले पपीते की पत्तियों का नाम ही सामने आता है। ये प्लेटलेट काउंट्स बढ़ाने के लिए बहुत प्रभावी उपचार माना जाता है। पपीते की पत्तियों में मौजूद एंजाइम शरीर में प्लेटलेट्स के प्रोडक्शन को बढ़ाने में मदद करते हैं। इन पत्तियों का प्लेटलेट बढ़ाने वाली दवाओं बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। पपीते की पत्तियों को पीसकर इनका रस दिन में 2 बार पीने से प्लेटलेट काउंट बढ़ाने में मदद मिलती है। दूसरा है एलोवेरा जूस। एलोवेरा का पत्तियों में मौजूद औषधि गुण शरीर की कई गंभीर परेशानियों को दूर करने में मदद करते हैं। शरीर में प्लेटलेट काउंट बढ़ाने के लिए आप इसके जूस को दिन में 2 बार सेवन कर सकते हैं। कुछ दिनों तक इसका सेवन करने से प्लेटलेट काउंट बढ़ाने में मदद मिलती है। तीसरा है ग्लोए की पत्तियों का जूस। ग्लोए आयुर्वेद में बहुत शक्तिशाली और फायदेमंद औषधि मानी जाती है। ग्लोए में मौजूद गुड़ शरीर को स्वस्थ रखने और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद करते हैं। सर्दी जुकाम और वायरल फीवर में भी इसका सेवन फायदेमंद होता है। शरीर में प्लेटलेट काउंट बढ़ाने के लिए दिन में 2 बार आधा कप ग्लोए का जूस पीने से फायदा मिलता है। इसके अलावा शरीर में प्लेटलेट काउंट कम होने पर खान पान का भी ध्यान रखना चाहिए। ताजे फल का सेवन और हरी सब्जियां खाने से शरीर में घटे हुए प्लेटलेट को बढ़ाने में मदद मिलती है। ध्यान रहे कि प्लेटलेट काउंट बढ़ाने के लिए आप हमारे द्वारा बताई गई चीज़ों का सेवन करने से पहले इसकी डोज और तरीके भी आपको जानने चाहिए। तो आपको अगर लेना है तो एक समझिएगा, एक 20 मिलीग्राम सुबह आपको पपीते का जूस पीना है और 20 ग्राम शाम को पपीते का जूस पीना है। और अगर एलोवेरा जूस पी रहे हैं तो एक 20-30 ml मॉर्निंग और 20-30 ml इवनिंग, ऐसे ही करके। बाकी ज़्यादा क्वांटिटी नहीं लेना है, ना ही कम क्वांटिटी लेना है। अगर फ़ायदा होगा तो इस क्वांटिटी में आप ले सकते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।